देखो जी, हमारे भाईजान सलमान खान की जब फिल्में रिलीज होती हैं तो इंडिया की फिल्में तो डरती हैं रिलीज होने में उनके साथ, क्योंकि बिजनेस नहीं मिलता, स्क्रीन स्पेस नहीं मिलता। साथ ही साथ हॉलीवुड की भी फिल्में डरती हैं। जी हाँ, मेरे पास करंट एग्जांपल हैं, चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल 2017 का है, जब 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है के अलॉन्ग साइड दोस्तों जुमैनजी वेलकम टू द जंगल, जो कि ड्वेन जॉनसन की फिल्म थी, वो भी रिलीज होने वाली थी। बट जब उन्हें पता चलता है भैया सलमान खान तो बहुत बड़े सुपरस्टार है इंडिया में और उनकी फिल्म, उनकी दाल इंडिया में नहीं गल पाएगी सेम दिन, तब उन्होंने दोस्तों 29 दिसंबर को इंडिया में रिलीज किया फिल्म को, जो है जुमैनजी वेलकम टू द जंगल को रिलीज किया 29 दिसंबर को। अब दोस्तों यहां पर एक और हमें एग्जांपल मिल रहा है जहां पर हॉलीवुड बुरी तरीके से डर चुका है। कोई भी हॉलीवुड फिल्म हो, चाहे अवेंजर्स भी आती ना, वो भी भाईजान के साथ रिलीज करने की जरूरत नहीं करती। बताइए क्यों? क्योंकि 15 जून को रिलीज होने वाली है हम सबकी मच अवेटेड फिल्म जिसका नाम है रेस 3। और आपको बता दूं मैं, पहले ये जो जुरासिक वर्ल्ड द फॉलन किंगडम जो आ रही है फिल्म, जिसके बहुत सारे आजकल ट्रेलर आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ये जो फिल्म है ये ईद पे रिलीज होने वाली थी इंडिया में, यानी कि 15 जून को। बट मेकर्स को पता चल गया भाई यहां पर सलमान खान को टक्कर देना मुश्किल बात है, तो मेकर्स ने एक हफ्ते पहले यानी कि 8 जून 2018 को फिल्म का के रिलीज का फैसला किया इंडिया में। आई एम एक्साइटेड फॉर बोथ फिल्म्स, लेकिन मोर एक्साइटेड फॉर 15 जून। आप किसके लिए एक्साइटेड हैं? और क्या आपको भी लगता है कि हॉलीवुड जो है थोड़ा सा कतराता है भाईजान के आगे और भाईजान उन्हें नाको चने चबवा देते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। एंड फिल्मी अपडेट्स के लिए वॉच चैनल फिल्मी यारा विद मी राहुल भोज।